जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 2023 में हमने काफी बड़ी बड़ी बिग बजट के मूवीज देखी हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर भी हुई थी। और मैं आपसे कहूं कि 2023 की मूवीज तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2024 में कुछ ऐसी मूवीज रिलीज हो रही हैं जिनपे पानी की तरह तो पैसा बहाया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 अपकमिंग बिग बजट के मूवीज के बारे में, जो आने वाले टाइम में बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख देंगी। और मैं आपको बता दूं तो हमारी इस लिस्ट में जितनी भी मूवीज हैं उन सभी का बजट 200 से 600 करोड़ के बीच में होने वाला है, तो वीडियो काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। अबरूल पुष्पा का तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 10 पर जो मूवी आती है वो है सिंघम 3। और सिंघम 3 अजय देवगन की आने वाली पुलिस एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर अजय देवगन एक बार फिर से सिंघम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जहां दोस्तों इस मूवी को रोहित शेट्टी काफी बड़े लेवल पर डायरेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं तो इस मूवी में हमको वो सारे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनको आप बॉलीवुड से जानते हो। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में हमको अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, विक्की कौशल, जैकी श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं तो इस फिल्म में हमको अर्जुन कपूर विलन के रोल में नजर आएंगे। कास्ट को देखने के बाद आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इस मूवी को रोहित शेट्टी कितने बड़े लेवल पर तैयार कर रहे हैं। इस मूवी का बजट 200 करोड़ होने वाला है। इसके अलावा इस फिल्म को 15 अगस्त 2024 में रिलीज किया जाएगा पैन इंडिया लेवल पर। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नंबर 9 पर जो फिल्म आती है वो है राजा साहब। और राजा साहब प्रभास की आने वाली रोमांटिक हॉरर फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर प्रभास कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म को मारुति सर डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इस मूवी में हमको प्रभास के साथ निधि अग्रवाल और संजय दत्त भी दिखाई देंगे। पहले इस फिल्म का नाम राजा डिलक्स था और अब मेकर्स ने इस फिल्म का नाम राजा डिलक्स से हटाकर राजा साहब रख दिया है। और मैं आपको बता दूं तो इस मूवी का बजट 250 करोड़ बताया जा रहा है। इसके अलावा इस मूवी को 2024 में रिलीज किया जाएगा पैन इंडियन लेवल पर। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 पर जो मूवी आती है वो है इंडियन 2। और इंडियन 2 कमल हसन सर की आने वाली पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर कमल हसन सर एक बार फिर से सेनापति का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जहां दोस्तों इस फिल्म को एस शंकर डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी काफी बड़े लेवल पर। ये फिल्म 1996 में आई इंडियन मूवी का ही सीक्वल पार्ट होने वाली है। इसके अलावा इस मूवी को 250 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। इस मूवी को अप्रैल से जून में रिलीज किया जाएगा पैन इंडियन लेवल पर। Indian is back. इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नंबर 7 पर जो मूवी आती है वो है देवरा। और देवरा जूनियर एनटीआर की आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर जूनियर एनटीआर एक लुटेरा के रोल में नजर आएंगे, वो भी काफी ज्यादा खून खराबा करते हुए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस फिल्म को कोटाला शिवा डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी काफी बड़े लेवल पर। इस मूवी में हमको जूनियर एनटीआर के साथ जाह्नवी कपूर भी दिखाई देंगी और साथ ही में निगेटिव रोल प्ले करते हुए सैफ अली खान भी दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का ऑफिशियल टीजर भी रिलीज हो चुका है। और मैं आपको बता दूं तो इस फिल्म का बजट 300 करोड़ होने वाला है। इसके अलावा इस मूवी को 5 अप्रैल 2024 को रिलीज किया जाएगा पैन इंडियन वर्ल्ड वाइड लेवल पर। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नंबर 6 पर जो मूवी आती है वो है कंगुआ। और कंगुआ सूर्य सर की आने वाली फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसको सिवासा डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी काफी बड़े लेवल पर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में सूर्य सर काफी खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं तो इस मूवी की हाइप सूर्य सर के रोलेक्स कैमियो के बाद कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। इस फिल्म में हमको सूर्य सर के साथ दिशा पटानी भी लीड रोल में नजर आएंगी और निगेटिव रोल में बॉबी देओल देखने को मिलेंगे, जो एनिमल से भी ज्यादा खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को सिवासा 300 से 350 करोड़ के बजट में तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा इस मूवी को 11 अप्रैल 2024 को रिलीज किया जाएगा पैन इंडियन लेवल पर। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो मूवी आती है वो है बड़े मियां और छोटे मियां। और बड़े मियां छोटे मियां अक्षय और टाइगर की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक सोल्जर के रोल में नजर आएंगे। जहां दोस्तों इस फिल्म को अली अब्बा जफर डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले भी सुल्तान और टाइगर जिंदा जैसी कमाल की फिल्म बना चुके हैं। इसके अलावा ये फिल्म बॉलीवुड की दूसरी बिग बजट फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म को 350 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। इसके अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन भी निगेटिव रोल में दिखाई देंगे, जो हाल ही में हमको सलार मूवी में भी दिखाई दिए थे। जहां दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी भारत और पाकिस्तान के बीच की होने वाली है, जिसके अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इंडियन सोल्जर के रोल में नजर आएंगे। और इसके अलावा इस मूवी को 10 अप्रैल 2024 को रिलीज किया जाएगा पैन इंडियन वर्ल्ड वाइड लेवल पर। दिमाग से शैतान है हम, बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम।
इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 पर जो मूवी आती है वो है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विजय थलापति की आने वाली साइफाई एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसको वेंकट प्रभु डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी काफी बड़े रोल पर। यहाँ दोस्तों इस फिल्म में विजय थलापति हमको डबल रोल में दिखाई देंगे, और विजय सर के डबल रोल में एक रोल निगेटिव भी होने वाला है, जिसके कारण विजय सर अपने आप से फेसअप करते हुए अपने आप से ही बिड़ते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में विजय सर के साथ हमको प्रभु देवा भी देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं तो लियो जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद विजय सर की ये दूसरी फिल्म होने वाली है। और इसके अलावा इस मूवी को 400 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। इस मूवी को 2024 के एंड में रिलीज किया जाएगा पैन इंडियन लेवल पर। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो मूवी आती है वो है गेम चेंजर। और गेम चेंजर रामचरण की आने वाली पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसको एस शंकर सर डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले भी रोबोट और शिवाजी द बॉस जैसी बेहतरीन फिल्म बना चुके हैं। इस फिल्म में हमको रामचरण के साथ कियारा आडवाणी भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस फिल्म को एस शंकर सर 450 करोड़ के बजट में बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं तो ये फिल्म रामचरण की RRR ब्लॉकबस्टर देने के बाद दूसरी फिल्म होने वाली है। इसके अलावा इस मूवी को 2024 को रिलीज किया जाएगा पैन इंडियन लेवल पर। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर जो मूवी आती है वो है पुष्पा 2। और पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर हमको एक बार फिर से अल्लू अर्जुन पुष्पा बाबू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस मूवी को सुकुमार सर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पुष्पा मूवी बनाई है। और अभी ये पुष्पा 2 काफी बड़े लेवल पर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म की हाइप भारत से लेकर और भी देशों में काफी खतरनाक लेवल की है, जिसके कारण सुकुमार सर इस मूवी को 500 करोड़ के बजट में बना रहे हैं, जिसके अंदर अल्लू अर्जुन के साथ श्रीवल्ली भी नजर आएंगी। इसके अलावा इस मूवी को 15 अगस्त 2024 में रिलीज किया जाएगा पैन इंडियन वर्ल्ड लेवल पर। अब रोल पुष्पा का। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में आखिरी और नंबर 1 पर जो मूवी आती है वो है प्रोजेक्ट के। और प्रोजेक्ट के प्रभास की आने वाली डिस्टोपियन फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर प्रभास कल्कि के अवतार में नजर आएंगे। और इसके अलावा इस मूवी को नाग अश्विन सर काफी बड़े लेवल पर तैयार कर रहे हैं। फिल्म में प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन भी देखने को मिलेंगे, और निगेटिव रोल में हमको कमल हसन सर दिखाई देंगे। इस फिल्म में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये सब कुछ दिखाया जाएगा। यहाँ दोस्तों इस फिल्म को नाग अश्विन सर 600 करोड़ के बजट में तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा इस फिल्म को 9 मई 2024 को रिलीज किया जाएगा पैन इंडियन वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो यही थी हमारी 2024 की आने वाली टॉप 10 बिग बजट मूवीज। वैसे ऐसी वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है, सो मेरी मेहनत का ख्याल करते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।